हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? चलिए, आज ये हमारे दिन का सेकंड सेशन है। ओके, सुबह का सेशन कैसा रहा? जैसे ही हमारे दोस्त ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें, हमारा रेगुलर स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, जो जो ज्वाइन करते जाए कमेंट करते जाइएगा। गुड आफ्टरनून शुभम दुबे, अ वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, कैसा था हमारा सुबह का प्लास्टिक एनालिसिस का सेशन? ठीक है, बहुत से बच्चे जिन्होंने कहा था कि सर ऐप पे आपने पढ़ा दिया है, एक बार लाइव और पढ़ा दीजिए, तो इसीलिए उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे भी आज पढ़ाया था। और अभी 4-3 दिन और इसका सेशन चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 10:30 बजे रोज 10:30 पर। गुड आफ्टरनून सीमा, अ वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आई हैव टू चेक शुभम, आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो, वेट अ मिनट। तो जो स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, 10:30 AM पर हमारा प्लास्टिक एनालिसिस चलेगा, रोज प्लास्टिक एनालिसिस चलेगा। वैसे तो मैंने इसके लिए 4 क्लासेस प्लान करी है, तो मतलब 19th ऑफ अप्रैल से लेकर ये जाएगा हमारा 22nd ऑफ अप्रैल तक, 22nd ऑफ अप्रैल तक जाएगा ये। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और वैसे भी हमारा जो 2:30 PM पर हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो चल ही रहा है, तो आप लोग रेगुलर हो जाइए भैया, है ना, रेगुलर हो जाइए। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मैं रोज आप लोग के लिए क्या पढ़ाता हूँ, सर्वेइंग पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो अभी कल क्लास नहीं थी इसके लिए, अब इसका रेगुलर क्लास स्टार्ट वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? और आज 8 PM पर सभी HPCL के स्टूडेंट के लिए, HPCL के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक एडुकेटर के द्वारा गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा और सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा ये आज के लिए अनाउंसमेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, जिन्हें मज़ा आ रहा है मेरा कंटेंट में पढ़ने में, मेरा गाइडेंस समझ में आ रहा है, वो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगा मेरे प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करिए, वो आपको ऐप पर लेके जाएगा। और ऐप पर क्या कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने से सिर्फ ये होगा कि मैं कभी भी अगर ऐप पर कोई स्पेशल स्पेशल सेशन लेके आता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो वो कभी भी आपसे मिस नहीं होगा, है ना। यूट्यूब पे क्या होता है, आपको दिखता रहता है, क्योंकि यूट्यूब क्या होता है, जनरली आप लोग दिन भर चलाते रहते हो, सिर्फ पढ़ने के लिए तो इस्तेमाल करते नहीं हो यूट्यूब, और भी आपको जरूरी काम रहते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो क्या होगा, आप जब देखेंगे ऐप पर तो कोई भी आपका सेशन मिस नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। चलिए, अब हमारे बहुत सारे दोस्तों का, खासकर हमारी स्टूडेंट सीमा का ये कहना है कि सर सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो। भैया ये देखिए आपका सिलेबस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का इसके ऊपर नाम भी लिखा है, मतलब इससे ज्यादा ऑथेंटिक सिलेबस किसी और वेबसाइट पे तो मिलेगा नहीं, है ना। तो बता दीजिए, क्या ये विजिबल है, क्या यहाँ पर ये विजिबल है? आई होप ये स्क्रीन पे सभी स्टूडेंट को विजिबल है, मुझे तो मेरे मोबाइल पे दिख रहा है, मतलब आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, आप सभी को दिख रहा है?
है ना, देख लीजिए, ये देख लीजिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आपको सिलेबस दिख रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टैटिकली डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये देखिए ये अपन ने पढ़ाया है ना। अब ये देखिए फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड, तो यहाँ पर हमने क्या करा, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन अभी हमने सीखी नहीं, बट हाँ क्या होता है ये हमको पता है, ट्रस हमने कर लिया, आर्चेस बचा हुआ है, आर्चेस पढ़ा देंगे ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखिए आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आती है, ये खत्म करा दी आपको, आज खत्म हो जाएगी। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो आपका हो जाएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इन्फ्लुएंस लाइन चालू होगा, फ्लेक्सिबिलिटी और ये पढ़ा देंगे है ना। तो और पता है आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, इसी चीज को ध्यान में रख के, जो आर्चेस है ना, आर्चेस ये भी ऐप पर स्टार्ट करा था, बट बच्चों का कहना था कि सर आप एक बार व्यवस्थित रूप से ही चालू कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा। अब आर्चेस के बाद मैं केबल्स ही पढ़ाने वाला था आप लोगों को, वहां पर देखिए अपन ने कितना सारा पोर्शन स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कवर कर रखा है, कितना सारा पोर्शन हम लोगों ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कवर कर रखा है, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ शुभम मैं बता दूंगा, आप रुक जाइए जरा मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है ये चीज क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, ये सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को सभी बच्चों को देखो है ना, तो इस चीज से आप लोग क्लियर हैं। ठीक है देख लीजिए स्टूडेंट्स है ना, अब देखिए आरसीसी, आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा दी, लिमिट स्टेट मेथड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कवर करा दिए, उसमें डिजाइन ऑफ बीम पढ़ा दिया, सारे क्लॉज पढ़ा दिए, स्लैब कवर करा दिया, कॉलम कवर करा दिया, बॉन्ड कवर करा दिया, डेवलपमेंट लेंथ कवर करा दिया, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट कवर करा दिया, मतलब कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का तो पूरा सिलेबस ही करा रखा है दोस्तों, और इसका डेली अभी इसका डेली रिविजन, इसका रिविजन तक करवा रहा हूं मैं है ना। इसका भी अनाउंसमेंट बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे ही हमारा प्लास्टिक एनालिसिस खत्म होगा उसके बाद मैं आरसीसी के, उसके बाद मैं आरसीसी के एमसीक्यूज चालू करूंगा, आरसीसी के एमसीक्यूज चालू करूंगा ठीक है। गुड आफ्टरनून विक्की, क्लियर हो रहा है, आरसीसी के एमसीक्यूज चालू करूंगा यूट्यूब पर ही, कहां पर चालू करूंगा, यूट्यूब पर ही चालू करूंगा, तो वो भी रोज 10:30 बजे चलेगा आपका, 23 तारीख से, कब से चलेगा, 23 तारीख से, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है। तो ये देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कंक्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर्स चाहिए तो नीचे जाइए बढ़िया, डिस्क्रिप्शन में जाके क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा ठीक है। और रही बात हमारे, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर है ना, अब जो सब्जेक्ट में डील करता हूँ मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर पाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा ठीक है। अब यार ये आया हमारा जियोमेटिक्स है ना, अलग से प्लेलिस्ट नहीं है, बट आप उसको चेक करोगे ना तो आपको सारे एक ही बार मिल जाएंगे, अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो है ना ठीक है। प्रशांत ये देखिए, ये हमारा एक और सब्जेक्ट सर्वेइंग है ना, ये सर्वेइंग, तो सर्वेइंग में प्रिंसिपल पढ़ा दिए थे, एरर्स पढ़ा दिए, डेयर एडजस्टमेंट पढ़ा दिए, मैप्स पढ़ा दिया, स्केल पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दिया, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट मतलब कंपास सर्वेइंग पढ़ा दिया, और लेवलिंग चल रहा है ना, लेवलिंग चल रहा है ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि यार 3 सब्जेक्ट तो कम से कम करा ही दूंगा एचपीसीएल के पहले, और मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं एचपीसीएल का भी डेट नहीं आया तो शायद से एक आध सब्जेक्ट और पढ़ा ही दूंगा ठीक है, एक आध सब्जेक्ट तो और पढ़ा दूंगा, देखते हैं हम लोग क्या सब्जेक्ट लेते हैं। क्लियर हो गया, अब सिलेबस तो क्लियर हो गया दोस्तों, सिलेबस में तो कोई डाउट नहीं होगा आप किसी भी स्टूडेंट को ठीक है। प्रशांत आप अभी जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो प्लेलिस्ट में तो आप मुझसे अभी बात कर लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ूं मैं, यहां से मैं पढ़ता हूं आगे, अब यहां से देख लीजिए भैया ये एग्जाम का पैटर्न है, आप लोग सिलेबस है ना, सिलेबस नीब समझ में आया आपको तो आप ये देख लीजिए है ना। तो ये भी मेरा एचपीसीएल की तरफ से ही निकाला, एचपीसीएल की तरफ से निकाला गया ही पैटर्न है, ये देख लीजिए 2021 भी लिखा हुआ है, ये पेपर का पैटर्न है ना। हमारी जो ब्रांच है वो सिविल है, हमें
150 हमारा जो पेपर होगा देख लीजिए, 85 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आएगा, डोमेन में क्या रहेगा हमारा सिविल इंजीनियरिंग, वो भी 85 का होगा, 170 मार्क्स का वो होगा और पेपर होगा 150 मिनट में हमें करना है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% तो लाना ही है, मतलब 85 मार्क्स तो आप सभी को लाना है ना, फॉर ऑल कैटेगरीज, और डोमेन प्लस एप्टीट्यूड के लिए 60% फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड ओबीसी नॉन क्लियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां पर ये चीज क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, प्रशांत क्या आपने मेरी वो आपने देख लिया है जाके स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड? ठीक है, अब ये क्वेश्चन का मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन नहीं है तो मुझे इसके आंसर्स तो अभी नहीं पता है। अब हाँ दोस्त, इसका पीडीएफ है मेरे पास, जब ही तो मेरे उसमें अपडेट हुआ है, ये इसका पीडीएफ है मेरे पास 100%, जब ही तो मेरे वन नोट में मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है इसका पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, आप लोग क्या करिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। ठीक है, शुभम मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ का ही अरेंजमेंट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। दो मिनट रुकिएगा। आप लोग एक काम करिए, आप लोग मुझे इस चीज पे सर्च कर लीजिए, अश्विन शुक्ला अन अकेडमी, आप लोग टेलीग्राम पे मुझे इस नाम से सर्च कर लीजिए, अश्विन शुक्ला स्पेस अन अकेडमी, मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों को मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अश्विन शुक्ला स्पेस अन अकेडमी, अब मैं अभी आपको यहां पे लिंक तो दे नहीं सकता हूं, अन अकेडमी, ठीक है, सिविल डिस्कशन ऐसा पूरा नाम रखा है मैंने इसके ऊपर, आप इसके ऊपर क्या करिए मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, आप क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर एचपी सौरभ, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई। चलिए, अब किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, चलिए एचपी सौरभ आप अभी क्लास में हैं? एचपी सौरभ आप अभी क्लास में हैं?
क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर? अच्छा सीमा, आप ऐसा पूछ रहे हैं, रुक जाइए मैं आपको और बता देता हूँ। दोस्तों अपन जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वहां पर चलो देख लो, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो आपका इंग्लिश, आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है ना वो भी देख लीजिए आप लोग। जनरल एप्टीट्यूड मेरे ख्याल से अनअकैडमी लीड गेट पे एक सेशन हुआ था जिसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस वगैरह के बारे में बताया गया था। चलिए जो जनरल एप्टीट्यूड है इसके पास, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। इसमें आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलेगी, मेरा स्लोप डिफ्लेक्शन छूटता जा रहा है आप लोगों के कारण, इसमें आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलेगी, इसमें आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिलेगा है ना। ये देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिलेगा यहाँ पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिलेगा, और उसके बाद आपको इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल नाम से जो टॉपिक होता है वो भी आपको लेगा, मतलब रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल जो होगा आपको वो भी मिलेगा यहाँ पर। तो ये तीन टाइप की चीजें आपको मिलेगी किसके अंदर? जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, अब क्लियर है सीमा? आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आप लोगों को। हाँ यार वो मैं खुद ही ये चीज सोच रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है, बस मैं आखिरी बार बता रहा हूँ यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सिनोनिम्स होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग टेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरा जंपल्स, एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, स्पॉटिंग द एरर्स, होमोनिम्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट। अब जिस भी बच्चे को और कुछ जानना होगा सिलेबस के बारे में क्लास के बाद बात करेंगे। ठीक है, आप ये मुझे टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लीजिए, अश्विन शुक्ला स्पेस अन अकेडमी पे, और मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं सारी पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। ओके चलो दोस्तों अब सेशन चालू करें, वरना क्या होगा जो बच्चे यहाँ पर एचपीसीएल का फॉर्म नहीं भरे हैं उनके हिसाब से तो अपन ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। चलो अब चालू करें आज का हमारा सबसे बढ़िया सेशन, जिसका हम आज हमें एंड करना है स्लोप डिफ्लेक्शन, तो शुरू करते हैं चलो है ना। अब स्लोप डिफ्लेक्शन में और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी चीजें मुझे आपको बतानी थी ना मैंने आपको सारी बता दी है, जितनी भी मुझे आपको चीजें बतानी थी ना वो सारी मैं बता चुका हूँ। बस बचा क्या है हमारे पास यहाँ पर? बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या बचा है यहाँ पर? बचा है हमें स्वे सीखना कि एक्चुअल में मेरी जो स्वे होगा, पोर्टल जो है वो स्वे किस डायरेक्शन में होगा, स्वे किस डायरेक्शन में होगा, हमें सिर्फ ये बात सीखनी है, हमें सिर्फ ये बात सीखनी है कि स्वे किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है चलो बात करते हैं हम लोग है ना, बात करते हैं। तो पहला केस देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पहला केस देखते हैं, और पहला केस है हमारे पास सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना विथ सिमेट्रिकल लोडिंग है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ सिमेट्रिकल लोडिंग है ना, सिमेट्रिकल लोडिंग, ये चीज समझ में आया? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ सिमेट्रिकल लोडिंग, चलो ये बात समझ में आया, ये हमारा टाइप है। तो मैं बनाता हूं यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, एक मैं बनाता हूँ यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये देखो क्या ये सिमेट्रिकल है? सभी दोस्त बोलेंगे कि सर ये सिमेट्रिकल है। ध्यान रखना सिमेट्रिकल सिर्फ शेप से नहीं होता हमारे स्ट्रक्चर में, हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है, जैसे कि इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ई आई जिसे हम बोलते हैं ई आई, वो भी क्या होना चाहिए हमारा? कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ई आई भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर लोड लगा दिया ये डब्ल्यू किलो न्यूटन का, कहाँ पर लोड लगाया मैंने इस तरह से, ये एल बाय टू पे लोड लगाया। अभी स्टील स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम है दोस्त, अभी मैं स्टील स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम है, मान के चलिए कम से कम 10 दिन के बाद होगा स्टार्ट है ना, 10 दिन बाद स्टार्ट होगा वो, तो ये डब्ल्यू किलो न्यूटन का लग रहा है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिसको इस प्रकार का डाउट हो, जिसको इस प्रकार का डाउट हो कि सर ये सिमेट्रिकल नहीं है या लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, किसी बच्चे को ऐसा डाउट हो तो वो कमेंट करिए, और नहीं है तो बिना कमेंट बैठ करे वीडियो देखते रहिए हमारा। ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोडिंग लग रही है, ये देखो ये यहाँ पर क्या लगाया हमने, ये एल लगा दिया, ये यहाँ पर देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, लेंथ एल हो गया, क्लियर हो गया। बट बहुत जल्दी मैं चालू कर दूंगा, बहुत जल्दी मैं इसको चालू कर दूंगा स्टील स्ट्रक्चर को,
ठीक है। और देखा जाए तो स्टील स्ट्रक्चर का जो प्लास्टिक एनालिसिस है वो सुबह चल रहा है 10:30 बजे, आप चेक कर लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट मान रहे होंगे ये बात कि सर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी है और सिमेट्रिकल लोडिंग भी है, क्या सारे स्टूडेंट ये बात मान रहे हैं, है ना? तो बताइए क्या ये किस डायरेक्शन में स्वे होगा, ये दोनों के दोनों पोर्टल फ्रेम किस डायरेक्शन में स्वे होगी, ये आपको मुझे बताना है। बताइए दोस्तों, ये किस डायरेक्शन में स्वे होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, ये किस डायरेक्शन में स्वे होगी? कोई जवाब नहीं। अगर टुवर्ड्स राइट, किस आपने कहा कि ये टुवर्ड्स राइट स्वे होगी, है ना, टुवर्ड्स राइट, तो हॉरिजॉन्टल लोडिंग तो जीरो है तो शायद नहीं होगी। बात हॉरिजॉन्टल लोडिंग की नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोडिंग की नहीं है, बात बहुत सारी चीजों की होगी यहाँ पर, है ना, बात बहुत सारी चीजों की होगी। देखो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आप जैसे ही मेरे मेंबर को देखोगे, आप जैसे ही मेरे स्ट्रक्चर को देखोगे और आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद सिमेट्रिकल लोडिंग, तो हमेशा ध्यान रखना देयर विल बी नो स्वे, देयर विल बी नो स्वे, हमेशा ध्यान रखोगे देयर विल बी नो स्वे। कब? व्हेन, व्हेन इट इज अ केस ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, है ना, ओहो विल लिख रखा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद सिमेट्रिकल लोडिंग अगर लिख रखा है तो देयर विल बी नो स्वे। क्या बात समझ में आई यहाँ पर, बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग यहां से आगे बढ़ने की तरफ, अभी देखो अभी सिर्फ इतना बता दिया कि नो स्वे होगा, है ना, ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा, है ना, ये भी बताऊंगा क्यों नहीं होगा, बस थोड़ा सा शांति बना के रखना, है ना। अब देखो क्या लिख रहा हूं यहां पर, अब क्या लिख रहा हूं यहां पर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्या लिखा अपन ने, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, है ना, विथ विथ अनसिमेट्रिकल लोडिंग, है ना, विथ अनसिमेट्रिकल लोडिंग, अनसिमेट्रिकल लोडिंग, ये लिखा मैंने यहां पर अनसिमेट्रिकल लोडिंग। चलो बताओ दोस्तों, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को, ये देखो ये बनाया मैंने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, है ना, अनसिमेट्रिकल लोडिंग लगाना है, मतलब क्या करा मैंने यहां पर, ये देखो यहां पर लगा दिया, ये हो गया W, है ना, ये यहां पर लग गया अपना कितना, ये L/3 कर लेता हूं, ये क्या कर लेता हूं, 2L/3 कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, 2L/3 लिख लेता हूं। मान लो इसको क्या लिख दिया मैंने, A लिख दिया, इसको B लिख दिया, है ना, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, L लेंथ कर देता हूं। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है ये बात मानते हो, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है ये बात मानते हो, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, लेकिन लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है। अब बताओ कि ये किस डायरेक्शन में स्वे होगा, ये किस डायरेक्शन में स्वे होगा, विक्की ने, ओके पहले जवाब दिया गया टुवर्ड्स राइट और फिर जवाब दे दिया गया कि ये लेफ्ट तरफ होगा स्वे, एक जवाब आया है लेफ्ट, एक आया है राइट, और उसके बाद एक जवाब आ जाएगा नो स्वे, एक जवाब आ जाएगा नो स्वे, है ना, ओहो पहले बोला राइट, फिर बोला लेफ्ट और फिर बोला राइट, बहुत बढ़िया, झूला झूला दिया पूरी पोर्टल को, सोचो आराम से सोचो और बताओ, ध्यान रखना जवाब दो। शुभम चलो दोस्तों जवाब दो फटाफट, नो स्वे, देखा मैंने कहा था ना एक जवाब आएगा नो स्वे,
सीमा, सीमा आपका जवाब नहीं आया दोस्त। चलो दो लॉजिक है ना, दो लॉजिक है। क्या करो सबसे पहले, क्या करो, दो लॉजिक बताता हूं आपको कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करो, स्ट्रक्चर को बीच में से काट दो। स्ट्रक्चर को करो बीच में से ऐसा काट दो, ये स्ट्रक्चर को बीच में से काटा, ये स्ट्रक्चर को क्या करा, बीच में से काट दिया। ये देखो बीच में से काट दिया, बीच में से काटा मतलब ये लेंथ कितनी होगी, एल बाय टू। ये कितनी हो जाएगी लेंथ, एल बाय टू। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाय टू। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाय टू हो जाएगी। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक लोड लग रहा होगा डब्ल्यू, यहाँ लोड लग रहा होगा डब्ल्यू। इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, एल बाय थ्री। कितना दे रखा है, एल बाय थ्री दे रखा है। अब ये डब्ल्यू इंटू एल बाय थ्री क्या होगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। अब ये ऐसा घूमेगा मतलब कि क्या होगा, ये देखो ये ऐसा घूमेगा मतलब क्या होगा, ये इस तरफ ऐसे जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसा जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस तरफ इसने इसको हिला, इसने इसको इस तरफ मूव करा, इसने इसको किस तरफ मूव करा, टूवर्ड्स राइट, है ना। किधर मूव करा, टूवर्ड्स राइट मूव करा, किधर मूव करा, टूवर्ड्स राइट मूव करा। लेकिन इधर देखो किधर, ये राइट साइड वाले पोर्शन में देखो कोई फोर्स दिख रहा है क्या, कोई फोर्स दिख रहा है, कोई फोर्स नहीं दिख रहा। मतलब कि क्या होगा, इसके लिए नो स्वे, मतलब नेट स्वे किधर हो जाएगा, नेट स्वे किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स राइट। अब आज के बाद कभी भी गलती नहीं करोगे, टूवर्ड्स राइट। चलो है ना, बताओ कैसी लगी ये ट्रिक, ये ट्रिक कैसी लगी। जवाब दीजिए दोस्तों, ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो काम है ना एज ए इंजीनियर, हर काम क्या, अरे भैया समझ में आया, एज ए इंजीनियर हर काम क्या होगा, हमको ट्रिक पे नहीं करना। एज ए इंजीनियर हर काम हमको ट्रिक पे नहीं करना। अब देखो यहां पर, ये देखो ये मेरे पास क्या था, ये इस तरह से मेरे पास ये था, है ना। यहां पर देखो है ना, ये देखो यहां पर, अब ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया मेरे पास बी, ये हो गया सी, और ये हो गया मेरे पास डी, है ना। यहां पर लगाया मैंने लोड डब्ल्यू, यहां लगाया लोड डब्ल्यू, बात समझ में आई। यहां लोड लगाया मैंने डब्ल्यू। अब जब मैंने यहां पर लोड लगाया डब्ल्यू, और ये हो गया ए, और ये हो गया मेरे पास बी, है ना, ये हो गया बी। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट्स कि एम एफ बी सी का फॉर्मूला बता दो, और एम एफ है ना, ये एल ही रहेगा, सेम सब कुछ सेम चल रहा है अभी, है ना, ये एल ही है हमारे पास। ये एम एफ बी सी हो गया, और एम एफ सी बी का वैल्यू बता दो मेरे को, फटाफट बता दो, फॉर्मूला लिखो सभी बच्चे, कमेंट में लिखो, नहीं लिखोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो एम एफ बी सी का वैल्यू बताओ मेरे को, ध्यान रखना ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग कमेंट में, पहले ही हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं आज। तो क्या मैंने सही फॉर्मूले लिखे हैं, क्या मैंने सही फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। कितने बच्चे ये चीज भी मानने को तैयार है, कितने बच्चे ये चीज भी मानने को तैयार है। देखो यहां पर देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया दोस्त। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा बोला मैंने, अगर ए ग्रे ए सॉरी ए इज लेस देन बी बोला, ऐसा मैंने, ए इज लेस देन बी, तो कितने बच्चे ये बात मानने को तैयार है। यहाँ पर कितने बच्चे ये बात मानने को तैयार है कि जो एम बी सी होगा वो बड़ा होगा एम सी बी से। कितने बच्चे ये बात है, हेलो पंकज, हाउ आर यू फ्रेंड, ठीक है, ये बात भी मानने को तैयार हो आप लोग। एम बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एम सी बी, ये बात भी मानने को तैयार हो। मतलब ये देखो, मतलब देखो है ना, यहां पर देखो एम सी बी जो, एम बी सी जो होगा वो बड़ा है,
एमबीसी जो है यहां पर ये मोमेंट ऐसा आएगा एमबीसी है ना, और उसी तरह से यहां पर देखो यहां पर मोमेंट आएगा एमसीबी है ना, एमसीबी, यस और नो, यस और नो। अब क्या होगा, ये जो बीस है इधर इसका अब हाफ हाफ ज्वाइंट पे क्या होता है, हाफ इधर जाएगा। अरे 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 ये तो बहुत ही गलत हुआ यार दोस्त। आप दिल्ली में ही रहते हो ना पंकज? ध्यान रखो दोस्त अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी और अपने भाई का भी। कोई बात नहीं पंकज, अभी आप अपने फैमिली का ध्यान रखो, आप मुझे जानते ही हो अच्छे तरीके से, आप मतलब आप मेरे को जान चुके हो। आप यू कैन जस्ट लेट मी नो आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए, आई विल जस्ट हेल्प यू। मैं आपको बाद में भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई बात नहीं, 10-15 दिन अभी आराम से अपनी फैमिली का ध्यान रखो, देन आई विल टीच यू, डोंट वरी। ओके ये हो गया। तो देखो क्या आप ये बात मानते हो कि अगर एमबीसी एमसीबी से बड़ा था है ना, एमबीसी जो है एमसीबी से अगर बड़ा था है ना, एमसीबी से बड़ा था, तो क्या आप ये भी बोल सकते हो कि सर जो एमबीए होगा वो भी क्या होगा, एमसीडी से बड़ा होगा, वो भी एमसीडी से बड़ा होगा? क्या आप ये बात मान सकते हो? ये बात मान सकते हो आप लोग? तो देखो जो एम बी ए जो है वो बड़ा है एम सी डी से बड़ा है, मतलब देखो क्या होगा, ये इसको इस तरफ क्या करेगा, इस तरफ घुमाएगा। ये देखो ये जो एम बी ए है इसको इस तरफ लेके जाएगा, एम सी डी जो है वो इसको इस तरफ लेके जाएगा, लेकिन एम बी ए क्या है, बड़ा है एम सी डी से। तो जो मेरा नेक्स्ट वे होगा, जो मेरा नेक्स्ट वे होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स राइट। जो मेरा नेक्स्ट वे होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स राइट। देखो क्या है, मैं ट्रिक बता के भी आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर को जितना ज्यादा समझोगे वो दूसरे चैप्टर में भी उतना ही फायदा देता है ना। पहले दिन से बोल रहा था कि पहला लेक्चर कभी मत छोड़ना, पहला लेक्चर कभी मत छोड़ना। जिन बच्चों ने स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ते हुए मेरे साथ आ रहे हो, उन मेरे को लगता है उन लोगों को बेहतर समझ बन रही होगी लेक्चर्स के ऊपर है ना, उसी तरह से ये समझाना भी मेरा काम था है ना। अब देखो है ना, अब उसी तरह से मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अगर मेरे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहां पर देखो अगर मेरे पास कैसा है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ एक एग्जांपल से समझा देता हूं, दूसरा आप खुद समझना। अगर मेरे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहां पर मैंने ऐसा डब्ल्यू लगा रखा और ये एल बाय टू और ये एल बाय टू है, तो और ये मेरा बी है, ये सी है, ये ए है और ये मेरा क्या है, डी है। तो बच्चों आप ये चीज जानते हो, एम बी सी जो होगा क्या वो माइनस डब्ल्यू एल बाय एट होगा, और क्या बच्चों ये भी जानते हो कि एम सी बी जो होगा वो प्लस डब्ल्यू एल बाय एट होगा? क्या आप ये भी बात जानते हो बच्चों? बोलो ये बात जानते हो? तो क्या ये क्लियर हो गया सर यहाँ पर कि जो एम बी सी होगा वो बराबर है एम सी बी के, है ना, बराबर है एम सी बी के। मतलब कि क्या हो गया, यहां पर ये मोमेंट ऐसा जा रहा था है ना, ये मोमेंट ऐसा होगा, उसी का अपोजिट ये मोमेंट यहाँ ऐसा होगा और उसी का अपोजिट मोमेंट ये ऐसा होगा है ना। तो अगर एम बी सी एम सी बी इक्वल है तो हम बोल सकते थे कि जो एम बी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एम बी ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एम सी डी के इक्वल हो जाएगा, यस और नो है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या होगा, ये इसे इधर ले जाने की कोशिश करेगा और ये इसे इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो जो मेरा नेक्स्ट वे होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वे जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, यस और नो? इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस क्या होगा हमारे पास है ना, नेक्स्ट केस क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिकल लोडिंग लिख देते हैं अपन लोग है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर
अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ सिमेट्रिकल लोडिंग, क्या लिखा हम लोगों ने, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल लोडिंग, सिमेट्रिकल लोडिंग। देखो क्या करा अपन ने, ये देखो यहां पर, ये इस तरह से अपन ने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, है ना, एक तरफ का थिक और एक तरफ का थिन जान मुचर के बनाया है ना, ऐसा मत सोचना कि गलती कर दी इनने। ये देखो ये कितना हो गया, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहां पर देखो क्या करा अपन ने, यहां पर ये, यहां पर अपन ने यूडीएल लगा दिया, क्या लगा दिया यहां पर, यूडीएल लगा दिया, ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। यहां पर ये क्या है मेरा, टू ई आई है, ये कितना है मेरा, ई आई है। अब बताओ ये किस तरफ स्वे करेगा, ये किस तरह स्वे करेगा, टूवर्ड्स राइट। हमेशा ध्यान रखना ऐसे केसेस के अंदर जब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद सिमेट्रिकल लोडिंग हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना स्ट्रक्चर ऑलवेज, है ना, स्ट्रक्चर ऑलवेज, स्ट्रक्चर ऑलवेज, स्ट्रक्चर ऑलवेज स्वे, स्ट्रक्चर ऑलवेज स्वेज टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स टूवर्ड्स लोअर स्टिफनेस, लोअर, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या लिखेंगे हम लोग, टूवर्ड्स लोअर स्टिफनेस, टूवर्ड्स लोअर स्टिफनेस फ्रॉम हायर स्टिफनेस, फ्रॉम हायर स्टिफनेस। क्या ये बात समझ में आ गई, बताओ क्या ये बात भी क्लियर हो गई दोस्तों, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ये बात भी क्लियर हो गई दोस्तों, यहां से आगे बढ़ू, है ना। अब एक और चीज करके देखते हैं, एक और चीज करके देखते हैं, यहां पर देखो सीमा, ये बात क्लियर हो रही है, आपका कमेंट नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब देखो, है ना, अब देखो यहां पर ये लग रहा है डब्ल्यू, ये लग रहा है यहां पर W, है ना। अब बताओ किस तरफ स्वे होगा ये, इसका जो ई आई है, ई आई क्या है इसका, कांस्टेंट है, ई आई क्या है इसका, कांस्टेंट है, और ये बाकी सब क्या है, एल एल और एल, क्या हो गया, एल एल और एल, बताओ राइट में ही होगा, क्यों राइट में होगा, एक्सप्लेन करो क्यों राइट में होगा, ये भी एक्सप्लेन करो दोस्तों, ये क्या है यहां पर, बहुत बढ़िया। डी क्या है हमारा, हिंज सपोर्ट है, डी क्या है हमारा, हिंज्ड सपोर्ट है, हिंज क्या है हमारा, हिंज सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। तो हिंज सपोर्ट होने के कारण, हिंज सपोर्ट होने के कारण जो मेंबर सी डी होगा उसका, उसका क्या होगा, लोअर स्टिफनेस होगा, है ना, उसका स्टिफनेस कितना होगा, लोअर स्टिफनेस होगा, कितना स्टिफनेस होगा उसका, थ्री ई आई अपॉन में एल होगा। उसी तरह से जो मेंबर मेरा ए बी है उसका स्टिफनेस कितना होगा, हायर स्टिफनेस होगा, कितना होगा, हायर स्टिफनेस होगा, और कैसा होगा, फोर ई आई अपॉन में एल होगा, है ना। ये बात समझ में, यहाँ पे थीटा लिख देता हूं मैं, ये बात समझ में आया। लेकिन अपन स्टिफनेस की अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, थीटा को यूनिटी मानते हैं, तो थीटा हटा देता हूं मैं। बताओ शुभम सीमा समझ में आया, बताओ, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आते जा रहा है तो एक नंबर काम कर दिया आप लोगों ने आज। यस, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, करके देखिए उसको।
बताओ ये वाला जो मेंबर है मेरा ये किस तरह स्वे होगा? ये वाला जो मेंबर है ये किस तरह स्वे होगा? नो स्वे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब, नो स्वे। चलिए और बताइए, और किसी के मन में कोई जवाब? टुवर्ड्स राइट, और एक जवाब होता हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए सोचिए। भैया जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब नहीं दोगे तो मैं यहां पर क्या करूं? मतलब आप क्या चाहते हो? नो स्वे। एक और जवाब आ गया नो स्वे। दो जवाब आ गए नो स्वे के। शुभम अपना कुछ कहना है दोस्त? विक्की और सीमा का कहना है नो स्वे। शुभम कुछ कहना बन रहा अपना? चलो नहीं कहना बन रहा तो फिर आप छोड़े अपन। देखो भैया है ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितने बच्चे ये चीज मानते हैं कि सर देखो अगर इसका नाम लिख दो आप ए बी सी और इसका नाम रख दो डी, है ना, ऐसा लिख दो आप, तो कितने बच्चे ऐसा बोलते हो सर कि देखो ये हो गया अपना एम बी सी और ये हो गया अपना एम सी बी, ये हो गया अपना एम बी सी और ये हो गया अपना एम सी बी। यस ये हो गया। इसका अपोजिट देखो, ये हो गया अपना कितना, इसका अपोजिट देखो कितना हो गया, एम बी ए हो गया, एम बी ए हो गया। और ये देखो इसका अपोजिट देखो ये कितना हो गया, एम सी डी हो गया, है ना, एम सी डी हो गया। अब देखो ध्यान से देखना इसको, है ना, ध्यान से देखना कि जो ये मेरा एम बी ए है, ये जो मेरा एम बी ए है इसका जो मोमेंट है वो इसको कहाँ लेके जा रहा है? ये देखो इस तरफ लेके जा रहा है। किधर लेके जा रहा है? ये इस तरफ लेके जा रहा है। यस इधर धक्का देगा। और देखो ये जो डी और सी वाला मोमेंट है ये देखो कहाँ लग रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर है ना, ये देखो दिख रहा है। तो ये इसको किधर लेके जाएगा? ये इसको इधर लेके जाएगा। तो नेट स्वे किधर है? नेट स्वे किधर है? राइट। नेट स्वे किधर है? राइट। और कितने ऐसे बच्चे जिन्हें ये सिमेट्रिकल लग रहा है? ये कैसे सिमेट्रिकल लग रहा है भाई, ये सिमेट्रिकल कैसे लग रहा है आप लोगों को? ये सिमेट्रिकल, ये मैंने यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री काटी, इसको काट दो और एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करो तो कवर कर रहा है क्या वो एक दूसरे को? भैया सिमेट्रिकल का ऐसा मतलब नहीं कि आधा हिस्सा यहाँ पर दिख गया और आधा ऊपर दिख गया तो सिमेट्रिकल बोल दिया। नहीं भैया ऐसा थोड़ी, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इसको जब एक दूसरे के ऊपर रखा तो इसने एक दूसरे को कवर कर लिया, लेकिन इसको ऐसा कर दूं, इसको ऐसा कर दूं तो ये सिमेट्रिकल थोड़ी है। समझ में आई बात? सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर? बताओ समझ में आया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है सीमा, समझ में आ गया दोस्त?
चलो इसका जवाब दो। क्या मोमेंट का क्या बताना है? देखो वो समझाता हूँ मैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके लिए अपने को ये करना पड़ेगा कि अपन ने अभी तक जितना भी सर ने पढ़ाया है उसको क्या करो, उसको देखो कि जब मैंने एरो जहां जहां बनाया वो कैसे बनाया। सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना, ये जितने भी मोमेंट बनाता हूँ ना ये सारे रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन है। अब सीधी सी बात है, ये बीम है मेरे पास, ये नीचे की तरफ अगर जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो मोमेंट क्या होगा, ऐसा डेवलप होगा है ना, मोमेंट ऐसा ही डेवलप होगा। और अगर जॉइंट है, अगर इससे कनेक्टेड जॉइंट है, तो अगर जॉइंट पे मेरे को पता है कि सर जॉइंट पे क्या होगा, इक्वल और अपोजिट मोमेंट आएगा। तो यहाँ पर ये देखो ये कैसा बनाया मैंने, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कैसा बनाया मैंने इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कैसा आएगा सर, क्लॉकवाइज आएगा। यहाँ कैसा बनाया, क्लॉकवाइज बनाया। तो यहाँ पर कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। समझ में आया बात, कि मतलब बी से सी के लिए मैंने क्या करा, रिएक्टिव मोमेंट बना दिए कि बी से सी की जो लोडिंग थी वो उसको नीचे लेके जा रही है, तो रिएक्शन के रूप में जो मोमेंट आएगा वो उसको ऊपर रखेगा। तो ऊपर रखने के लिए क्या करा उसने, इसको ऊपर रखने के लिए, ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर रखने के लिए वो ऐसा घुमा, तो वो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये यहां से ऐसा नीचे आ रहा है तो यहां पर एक मोमेंट घुमा, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। जॉइंट पे क्या होगा, इक्वल और अपोजिट आएगा। तो अगर एमबीसी जो है, एमबीसी जो है वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो एमबीए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो इसका जवाब दो। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जवाब दो मेरे को फटाफट। जवाब दो इसका, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, या फिर इसको लिख सकते हो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। मैं जितने भी मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करे हैं वो किसके कारण कंसीडर करे हैं, बेंडिंग मोमेंट के कारण कंसीडर करे हैं, या बेंडिंग मोमेंट एक्सियल फोर्स के कारण करे, शियर फोर्स के कारण, किसके कारण करे। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओमकार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी सही ऑप्शन होगा उसके ऊपर हरा हाईलाइट होगा। सही ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट, सही ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट। बहुत बढ़िया सीमा और शुभम का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ओमकार मेरे दोस्त, आपने आंसर जो करा है वो गलत है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर जितने भी डिस्प्लेसमेंट थे, याद करो जितने भी डिस्प्लेसमेंट थे, डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से थे, डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से थे, एक तो क्या था थीटा और एक क्या था डेल्टा। ये किसके कारण थे, ये मोमेंट के कारण ही तो आए थे, ये मोमेंट के कारण आए थे। डेल्टा प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगाया था, 6 डेल्टा EI/L2। थीटा प्रोड्यूस करने के लिए लगाया था 4 EI/L। याद आया, तो ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो भैया किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो हम आगे तो बढ़ ही रहे।
आपको उसमें निकालना है स्लो पेड भी, शुरू हो जाओ, दिमाग लगा दो जमाने भर का और बताओ कि कैसे करोगे ये। हाँ थीटा निकालना है, थीटा स्लोप, स्लोप एट बी, क्या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो बताओ? क्या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो बताओ? मेरे ख्याल से जो आप ऑप्शन कर रहे हो वो तो, जो आपने आंसर करा हो तो ऑप्शन में ही नहीं था विक्की। आप सभी ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं? बोलो। बी एक आंसर आया हमारे पास, बी एक आंसर आया हमारे पास, बी शुभम ने आंसर करा बी। अरे बताइए, चलो चलो सीमा, आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, आप ट्राई नहीं करते हो मुझे ऐसा लगता है। देखो हमारे दोनों भाई लगे रहते हैं एकदम ए बी सी डी है ना। अब देखो अगर आपको स्लोप चाहिए बी पर है ना, तो आपके पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन थी, तो क्या ट्राई करा? एम बी ए प्लस एम बी सी किसके बराबर होगा? जॉइंट पे है ना, जॉइंट पर अगर देखो, जॉइंट पर देखो क्या लगेगा, एम बी ए प्लस एम बी सी, एम बी ए प्लस एम बी सी अगर लगाना है तो एम बी ए प्लस एम बी सी में क्या लिखोगे बताओ भैया? एम बी ए प्लस एम बी सी में क्या लिखोगे? जीरो लिखते हो, लेकिन यहां पर जॉइंट पे एक मोमेंट होगी क्लॉकवाइज, तो एम लिख सकते हो, एम लिख सकते हो। यस, अब एम बी ए के लिए, एम बी ए के लिए क्या लिखते हो है ना, हमारी जो मोमेंट डिफ्लेक्शन, मोमेंट मोमेंट वाली जो वो होती है, मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स प्लस टू ई आई अपॉन में एल, टू ई आई अपॉन में एल थीटा ऑफ नियर एंड, नियर एंड प्लस सॉरी टू आईज ऑफ थीटा ऑफ नियर एंड प्लस थीटा ऑफ फार एंड माइनस थ्री डेल्टा अपॉन में एल, यही होता है, यही होता है हमारा। बोलो हाँ, यही होती है डेफिनेट, यही होती है हमारी इक्वेशन है ना, यही होती है हमारी इक्वेशन। अब देखो जो मोमेंट एट द फार है ना, मोमेंट जो होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सटर्नल लोडिंग ही नहीं है ना। तो बचा कितना, ये देखो टू ई आई अपॉन में एल, टू ई आई अपॉन में एल, यहाँ क्या लिखूंगा टू थीटा भी लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा टू थीटा भी। अब फार एंड, फार एंड कौन सा है, ए, तो ए पर थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एम बी सी लिखा तो एम बी सी कैसा लिख दूंगा, टू ई आई अपॉन में एल, टू थीटा क्या लिख दूंगा, टू थीटा बी लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, टू थीटा बी लिख दूंगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये देख लो भैया ये कितना हो जाएगा, फोर और फोर, फोर और फोर, तो ये कितना हो जाएगा, एट ई आई, एट ई आई थीटा बी अपॉन में, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलो भैया यहाँ से थीटा बी का वैल्यू बता दो, यहाँ से थीटा बी का वैल्यू बता दो, क्या आएगा थीटा बी का वैल्यू, एम एल अपॉन में एट ई आई। बोलो हाँ सर, बहुत ही आसान सवाल था, बट हमने कोशिश ही नहीं करी, जरा भी हमने नहीं सोचा।
है ना। और अगर सोचा है और फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिना सोचे ये बोल दिया कि सर बता दो तो बहुत गलत बात है। क्योंकि पता है एक बार अगर खुद से समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, लेकिन मैंने अगर अभी समझा दिया तो भी भूल सकते हो, ये फैक्ट है, ध्यान रखना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सोचा था, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, अगर सोच के कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात। चलिए, इसके अंदर पहला सवाल, इसके अंदर पहला सवाल जो है वो है आपके पास, इसे पहला सवाल आपके पास मोमेंट एट ए, सेकेंड सवाल मोमेंट एट सी, थर्ड सवाल चलिए है ना। अब मैं डिस्कस करूंगा, आपको मैं देता हूं 3:30 हो रहा है, 3:31 तक का टाइम है आप लोगों के पास, चलिए 3:32 तक का टाइम है आप लोगों के पास, सॉल्व करिए। सारे बच्चे अगर जवाब दे देंगे तो मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा। वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड। आप क्लास में मुझे पहली बार दिखे हैं लेकिन आप बहुत देर से बने हुए हैं और आप सारे आंसर्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए है ना, ओके ओमकार, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों मुझे सबसे पहले तो इस चीज का जवाब देंगे, सारे स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी का आंसर कर दो भाई फटाफट। सी पे मोमेंट एट सी का आंसर होगा सी पे जीरो। क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो होगा? क्योंकि सी क्या है? हिंज है, और अगर कोई चीज हिंज है तो उसके और मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर कोई सी क्या है हमारा हिंज है तो उसमें मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए अब पहले का जवाब दीजिए, फर्स्ट वाले को ट्राई करिए आप लोग, फर्स्ट वाले को ट्राई करिए, मेरे ख्याल से हाँ हिंज है मतलब कि क्या हो जाएगा? मोमेंट जीरो हो जाएगा। चलिए फर्स्ट वाला ट्राई करिए।
जवाब जवाब दोस्तों जवाब, फर्स्ट वाला, या शुरू हो जाऊं मैं बताना चालू कर दूं? अच्छा ठीक है, एक जवाब आया हमारे पास ए का फोर्थ, मतलब कि जीरो। चलिए अब ए की बात करते हैं, अगर मुझे निकालना होता मोमेंट एट ए, है ना, मोमेंट एट ए निकालना होता, तो मोमेंट एट ए के लिए मुझे क्या करना, एम ए बी का क्या करना पड़ता, एम ए बी का इस्तेमाल करना पड़ता, और एम ए बी के लिए क्या करता मैं, एम एफ ए बी लगाता, है ना, एम एफ ए बी लगाता, है ना, प्लस क्या करता, टू ई आई अपॉन में क्या करता, एल करता, और फिर क्या लिखता है यहाँ पर, टू थीटा ए लिखता प्लस थीटा बी लिखता, और फिर क्या करता है यहाँ पर, माइनस में थ्री डेल्टा अपॉन में एल लगाता, जो कि क्या हो जाता, जीरो हो जाता। उसी तरह से फिर क्या करता मैं, एम बी ए की, उसी तरह से एम बी ए का इक्वेशन लिखता, और फिर क्या करता मैं, एम बी सी का इक्वेशन लिखता, और फिर क्या करता है, एम सी बी का इक्वेशन लिखता, है ना, और फिर इन तीनों से क्या करता, इन तीनों की मदद से, इन चारों इक्वेशन की मदद से क्या करता मैं, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता, है ना। या फिर मैं ये भी कर सकता था कि, है ना, इस तरह से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होता, इसी तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता। एक और काम कर सकता था मैं, एक और काम कर सकता था कि जो मैंने कहाँ सीखा था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था, सबसे पहले क्या करो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था, बोला था ना मैंने आप लोगों को कि कल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो दोनों मेथड की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को इससे किया जा सकता है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लो। किसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना बी ए का, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है बी ए का, बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लो। तो बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है, मतलब क्या लिख सकता हूँ, आई बाय एल लिख सकता हूँ, है ना, रिलेटिव स्टिफनेस से लिख रहा हूँ, आई बाय एल लिख सकता हूँ, और बी सी का लिखना है तो 3/4 आई बाय एल लिख सकता हूँ, जो टोटल हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा क्या, वो टोटल 7i/l हो जाएगा, 7i/4l हो जाएगा, अगर टोटल ऐड कर दूंगा तो। यस और नो, ये हो गया मेरा रिलेटिव स्टिफनेस, ये हो गया मेरा टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, अब निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो कैसे निकलेगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा मेरा 3/7। यस और नो? अच्छा मेरे को यहाँ पर लेंथ दे रखी है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो इसका जो टोटल हो जाएगा, इसका जो टोटल हो जाएगा, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो i/4 i/4 कितना हो रहा है टोटल, i/4 i/4 कितना हो रहा है, i/2 हो रहा है, कितना हो रहा है, i/2 हो रहा है, ठीक है। और अगर ये i/2 हो रहा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखो, कितना हो जाएगा, 1/2 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/2, और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 1/2 1/2 है ना, 1/2 1/2 है, मतलब देखो एम बी ए प्लस एम बी सी करा मैंने अगर, और इसका टोटल कितना आ रहा है, एम आ रहा है, टोटल एम आ रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका, बी ए का और बी सी का, 1/2 1/2 है, तो मोमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, m/2 m/2 होगा, m/2 m/2 होगा। यस और नो, यही तो खासियत थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, याद आई दोस्तों, याद आई दोस्तों। और अगर एम बी ए जो था, है ना, अगर जो एम बी ए था मेरा, यहां पर मैं वापस से डायग्राम बना देता हूं, ये देखो ये बी है, तो यहां पर अगर अपन ने ये लिखा, अपन ने एम बी ए लिखा, एम बी ए लिखा अपन ने यहां पर, ये देखो है ना, अगर अपन ने यहां पर एम बी ए लिखा तो एम बी ए का आधा कहां जाएगा, ए बी पे जाएगा, तो एम बी ए अगर m/2 था तो ये आधा जाके कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। आधा क्यों जाएगा, आधा क्यों जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कैरी ओवर मोमेंट, याद आया कैरी ओवर मोमेंट का कंसेप्ट, कैरी ओवर मोमेंट का कंसेप्ट याद आया, तो यहां पर m/4 जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, बोलो।
क्या ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? कमेंट नहीं आ रहा मेरे को आप लोगों का। ओमकार आपको समझ में आया? शुभम देखो भैया, रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा आपको आया या नहीं आया। अगर मैंने नया क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया तो मैं नहीं समझाऊंगा, अभी बता दे रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में रोटेशन रेट बी निकाल दो और इसी क्वेश्चन में रोटेशन रेट सी निकाल दो। चलिए करिए क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन करिए, मैं आप 1 मिनट में आपसे मिल रहा हूं। अगर नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।
ये ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। चलिए, हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन पहला वाला किया था। अगर हम लोग देखते हैं तो हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये पहला वाला किया था, ये देखिए, है ना। तो ये कितना बढ़िया तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया था, है ना। ये कितना बढ़िया तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया था, देखिए, है ना। इसके अंदर हमने कितने बढ़िया तरीके से एम का वैल्यू निकाल लिया था टोटल, और उसकी मदद से हमने क्या करता है, थीटा भी निकाल लिया था। लेकिन जब आपने सेम यही तरीका, अगर यही सेम तरीका आपने क्या कोशिश करा होगा यहां पर अपनाने की कोशिश करी होगी, कहां पर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको अपनाने की कोशिश करी होगी, ये देखिए एमबीसी में आपने इसको अपनाने की कोशिश करी होगी, तो क्या दिक्कत गई होगी आप लोगों को अगर आपने यहां पर ये एमबीसी इस वाले क्वेश्चन में अपनाने की कोशिश करी होगी, तो दिक्कत क्या गया होगा आपको, जब आपने यहां पर, है ना, जब आपने क्या करा, अगर यहां पर ये एम लग रहा है, सॉरी, यहां पर अगर ये एम लग रहा है, मैंने एम नहीं लिखा था, अगर यहां पर एम लिख रहा है तो आपने क्या लिखा होगा, एम इक्वल्स टू एम बी सी, है ना, एम बी सी प्लस, है ना, एम बी सी प्लस एम बी ए लिखा होगा आपने, है ना। अब एम बी सी का जब आपने, एम बी ए का जब आप, एम बी सी के लिए आपने जब लिखा होगा तो आपने लिखा होगा टू ई आई अपॉन में, टू ई आई अपॉन में क्या लिखा होगा आपने, थ्री लिख दिया होगा, है ना। आपने क्या लिख दिया होगा, थ्री लिख दिया होगा, और यहाँ क्या लिखा होगा, टू थीटा बी लिख दिया होगा और प्लस थीटा सी लिख दिया होगा, है ना, लिखा होगा आपने ये चीज। और प्लस, अब प्लस करके आपने क्या लिखा, एम बी ए का जब वैल्यू लिखा तो आपने लिखा टू ई, और आई का वैल्यू कितना लिखा आपने, टू आई लिखा, और अपॉन में क्या लिख दिया, एट लिख दिया। एम बी ए के लिए आपने क्या लिखा यहाँ पर, टू थीटा भी लिख दिया, टू थीटा भी लिख दिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो सर, यहाँ पर हमको जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम दी इस थीटा सी ने। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ कि अगर ये थीटा सी नहीं होता तो सर अभी तक हम आपको थीटा बी का वैल्यू दे चुके होते, क्या याद आया आप लोगों को ये चीज। Yes, ये दिक्कत हुई। तो देखो, अगर आपको, या तो आप क्या करो, इसको स्लोप डिफ्लेक्शन से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसा ठान लो कि मैं तो स्लोप डिफ्लेक्शन से ही करूंगा, या फिर आप क्या करो, एक चीज याद करो, है ना, आप यहाँ पर क्या याद कर लो कि जो मेरा मोमेंट होता है ना, जो मेरा मोमेंट होता है ना, मोमेंट, है ना, मोमेंट एट ज्वाइंट, या फिर एक ये फॉर्मूला याद कर लो, मोमेंट एट ज्वाइंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मेरा रोटेशनल स्टिफनेस, है ना, रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। सिखाया मैंने आपको रोटेशनल स्टिफनेस, रोटेशनल स्टिफनेस, रोटेशनल स्टिफनेस, है ना, ऑफ जॉइंट, है ना, ऑफ जॉइंट इनटू क्या, इनटू क्या कर दो, थीटा, रोटेशन ऑफ द जॉइंट, ये कर दो आप, है ना। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूँ, मोमेंट एट जॉइंट की बात करता हूँ, मोमेंट एट जॉइंट की बात करता हूँ, तो क्या करोगे आप लोग, मोमेंट एम हो गया, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट की बात करते हो तो किसकी स्टिफनेस लिखोगे आप, स्टिफनेस लिखोगे के बी ए की स्टिफनेस लिखोगे, और प्लस किसकी स्टिफनेस लिखोगे, के बी सी की स्टिफनेस लिखोगे, यस और नो, किसकी लिखोगे, के बी सी की स्टिफनेस लिखोगे, यस, और इंटू क्या करोगे, थीटा लिख दोगे, किसका, जॉइंट का, और जॉइंट पे क्या है, बी है, यस। अब मुझको बताओ, अगर आपको स्टिफनेस लिखना हो बी ए की स्टिफनेस, तो क्या जो बी ए है उसका फार एंड फिक्स है, तो क्या फोर ई अपॉन में आई का वैल्यू क्या है, आई के लिए वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर, शायद से टू है ना वो, हाँ टू है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, टू आई अपॉन में एल कितना है, एट हो जाएगा। बी सी के लिए कितना लिखोगे, थ्री ई, आई कितना दे रखा है उसका, आई आई ही दे रखा है,
कितना दे रखा आय, उसका आय ही दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, यस और नो? और यहाँ पर कितना दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये देखो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या ये 2EI अपॉन में थीटा बी हो जाएगा। और यहां से क्या थीटा बी का जो वैल्यू होगा एम अपॉन में 2EI हो जाएगा, एम अपॉन में 2EI हो जाएगा, यस और नो? सॉरी यहां पर मैंने ये एल एल लिख दिए थे, ये एल नहीं आएगा यहां पर, आई एम रियली सॉरी। तो क्या इसका सही करेक्ट आंसर एम अपॉन में 2EI हो जाएगा? जवाब दीजिए, सीमा क्लास में हो आप या नहीं? ये सॉल्यूशन समझ में आया? ये मैंने किससे किससे सॉल्व करा, ये मैंने उस कंसेप्ट से सॉल्व करा जो मैंने आपको कब सिखाया था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सिखाया था। ठीक है, चलिए आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, सेकंड वाला, रोटेशन एट सी। विक्की आपको समझ में आया दोस्त? क्लियर? चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। मैं अब तक ऊपर एक चीज देख रहा हूं कि मैंने आपको बताई या नहीं बताई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलिए अब इतना कुछ बता दिया, तो सेकंड वाला करके देखिए आप लोग। चलिए इसका आंसर आपने करा यहाँ पर ए, करा ना आपने यहाँ पर आंसर 11th का ए करा आपने, कैसे करा आपने 11th का ए? अगर सभी ने आंसर कर दिया यहाँ पर, सॉरी मैं कुछ और देख रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया, 11th आपने ए कर दिया आंसर। आई होप आपने बहुत ही आसानी से इसमें क्या कर दिया होगा, एम सी बी लगा दिया होगा। क्या है आपके पास यहाँ पर, एम सी बी लगा दिया होगा, तो एम सी बी के लिए आपके पास बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, 2E है ना, ई e, और आई कितना है इसका
सी का, इसका आई कितना है आपके पास, इसका आई है आपके पास आई ही है, और एल कितना आपके पास 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2θc लिखा आप लोगों ने, और 2θc लिखा आपने, और प्लस यहाँ पर कितना लिख दिया 2θ और थीटा भी लिख दिया, और इक्वल्स टू आपने 0 कर दिया होगा, क्या यही करा आप लोगों ने? क्या आपने यहां पर यही करा? और यहां पर आपने 2EI अपॉन में 3 लिखा, और यहां पर 2θc लिखा आप लोगों ने, 2θc लिखा, तो ये पूरा उठ के नहीं इधर चले जाएगा, तो इसको तो मैं अभी यहां से हटा देता हूं, इसको मैंने यहां पर क्या करा अभी से हटा दिया, तो ये 2θc बचा, और प्लस थीटा बी की जगह, थीटा बी की जगह क्या कर सकते थे आप, थीटा बी की जगह एम अपॉन में क्या लगा सकते थे, 2EI लगा सकते थे, इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो देख लीजिए थीटा सी कितना हो जाएगा एम अपॉन में 4EI हो जाएगा, 4EI, तो क्या यहाँ पर आंसर आपके पास 4EI, 4EI आ रहा है आपके पास यहाँ पर आंसर, मतलब जितने भी बच्चों ने ए का आंसर दिया था वो सारे बच्चे क्या है, गलत है, और जितने भी बच्चों ने डी का आंसर दिया वो सब सही है, एम अपॉन में 4EI आंसर आ रहा है ना आपका, एम अपॉन में 4EI आंसर आएगा, तो फिर तो डी ऑप्शन होना था, आपने सी क्यों लगाया, आपने ए क्यों लगाया बच्चों, अगर आपने वही करा जो मैंने करा तो आपने फिर ए ऑप्शन क्यों बोला, ऑप्शन तो डी सही होना चाहिए ना, यस और नो? जवाब दीजिए दोस्तों, किसी तरह का कोई डाउट? यस विक्की, सीमा, ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ये वाला, है ना, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि थीटा सी आपकी प्रॉब्लम थी, है ना, ये आपकी थीटा सी प्रॉब्लम थी, तो क्या इस क्वेश्चन को आप स्लोप, है ना, अगर आपको क्या करना था, आपको निकालना था थीटा बी निकालना था, तो आप इसको क्या स्लोप डिफ्लेक्शन से कर सकते हो, है ना, तो अभी अपन ने देखा कि हमें से स्लोप डिफ्लेक्शन से करने में क्या आ रहा, थोड़ा गलती दिक्कत जा रही थी, है ना, हमें दिक्कत आ रही थी, क्यों दिक्कत जा रही थी, क्योंकि इक्वेशन में थीटा सी आ रहा था, इक्वेशन में क्या आ रहा था, थीटा सी आ रहा था, बट अगर मैं आपको इसको कंस्टेंट कर दूं कि आपको थीटा भी स्लोप इक्वेशन डिफ्लेक्शन से ही निकालना है, आपको जो थीटा भी है वो स्लोप डिफ्लेक्शन से ही निकालना है, और ये जो है ये आपका होमवर्क है, आप कल आराम से घर पर बैठोगे और मुझे बताओगे कि क्या आप यहाँ पर थीटा बी का वैल्यू स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हो, हाँ या ना, अगर हाँ है तो कल आप मुझे बताओगे कि सर कैसे करा, और अगर नहीं है तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूं, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं दोस्तों, तो तैयार हो जाइएगा कल के सेशन के लिए, जो वापस से आपका सुबह 10:30 बजे रहेगा, और फिर क्या रहेगा आपका एक और सेशन कितने बजे रहेगा, 2:30 बजे सेशन रहेगा, दोस्तों आप लोग ये जो सेशन है अगर आपको मजेदार लग रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोग ये 3 से 4 बच्चों को शेयर करो, और अच्छे बच्चों को यहां पर लेके आओ, जितने अच्छे बच्चे आएंगे ना क्लास में मैं उतना लेवल लेके जाऊंगा, है ना,
ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको बुलाओ इस क्लास के अंदर, बोलो उनको कि प्लास्टिक और ये क्लास अटेंड करें। बाकी तो मैं आप तीनों से ही बहुत खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए क्लास को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं हम लोग कल सुबह 10:30 बजे। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह।